हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामा स्वामी। आज अपने साथ है होंडा एक्टिवा 125। तो आज की वीडियो को एक्टिवा 125 में मिलने वाली फीचर 2024 में इसके लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें आपको टोटल कितने कलर्स मिलते हैं, कितने वेरियंट्स अवेलेबल है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्कूटर के कुछ सिनेमेटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिवा 125 में आपको वेरिएंट्स कितने आते हैं। देखो, इसमें चार वेरिएंट्स आते हैं, चार मॉडल अवेलेबल है। सबसे पहले जो सामने आप देख रहे हो ना, एक्टिवा 125 ड्रम विद अलॉय है। इसके अलावा आपको ड्रम आता है, एक डिस्क वाला वेरिएंट आता है, और एक एच स्मार्ट आता है, कीलेस स्कूटर जो स्मार्ट रिमोट वाला होता है वो आता है। तो चार मॉडल्स मिल जाते हैं। अगर वही बात करें कलर ऑप्शन की, तो इसमें आपको टोटल पाँच कलर ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये पर्ल व्हाइट विद सिल्वर मेटालिक कलर है। इसके अलावा आपको रेड मेटालिक आता है, ग्रे मेटालिक आता है, पॉल नाइट स्टार ब्लैक आता है, और ब्लू मेटालिक आता है। तो सबसे पहले आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्टिवा 125 का पांचों कलर में से आपको कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से, सबसे पहले आप फ्रंट का लुक देखो, मैं इसको सीधा करता हूँ। ये देखो, अगर बात करें फ्रंट लुक की, सबसे पहले LED हेडलाइट का सेटअप मिलता है। बाकी यहाँ साइड में हल्का से ये क्रोम का भी टच दिया गया है। यहाँ पर बात करें विंड वाइजर की, ब्लैक आउट पर विंड वाइजर मिलता है। यहाँ अपरॉन यहाँ पे देखो, ये व्हाइट के कम्बिनेशन, ब्लैक व्हाइट के कम्बिनेशन में दिया गया। सेंटर में आपको नंबर प्लेट जगह मिल जाता है। यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये फ्रंट अपरॉन यहाँ पे आपको ये जो कलर है सिल्वर मेटालिक कलर, वो उसके साथ दिया गया। जैसा कि इसका कलर का नाम है पर्ल व्हाइट विथ सिल्वर मेटालिक, तो व्हाइट और मेटालिक सिल्वर के कम्बिनेशन में इसका कलर्स दिया गया। बाकी अगर बात करें टर्न इंडिकेटर की, हैलोजन के टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे ये क्रोम का भी टच मिल जाता है, जो कि इस स्कूटर के लुक को बहुत प्रीमियम कर देता है, अलग लुक कर देता है। यहाँ मिरर आपको ब्लैकआउट मिलते हैं। अगर बात करें मडगार्ड की, स्ट्रॉन्ग मडगार्ड है, यहाँ पे पूरा फुली मेटल मडगार्ड मिलता है। एक ग्लॉसी यहाँ पे व्हाइट कलर बोल सकते हो इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट सिस्टम ये बताना कि होंडा एक्टिवा 125 का ये फ्रंट का लुक आपको देख के कैसा लग रहा है। अभी बात करते हैं सस्पेंशन की। अगर बात करें सस्पेंशन की, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है, बाकी आपको सिल्वर कलर में दिया गया है। अगर वही बात करें टायर सेक्शन की, MRX पर ट्यूबलेट टायर मिलता है, 90x90 12 इंच का आपको ट्यूबलेट टायर मिल रहा है। यहाँ पे जैसा कि मैं बताया, इसमें आपको एक ड्रम आता है, एक ड्रम विथ एलॉय आता है। तो सामने आपको एलॉय मिल रहा है ब्लैक कलर में। इसके अलावा आपको ड्रम भी आता है एक, उसमें सिर्फ आपको ड्रम मिलता है, वहाँ पर एलॉय नहीं मिलता है। सीट व्हील वाला आपको मेटल सीट वाला आपको यहाँ पे व्हील्स मिल जाता है। अभी बात करते हैं राइट प्रोफाइल की। अगर बात करें राइट से, सबसे पहले इसका राइट का लुक देखो, जो एक्टिवा 125 का लुक है ना, बहुत फेमस है लुक है। एक और चीज़ देखो, यहाँ पे आपको ये क्रोम का टच दिया गया, जो मैं बोल रहा हूँ हल्का हल्का कहीं कहीं क्रोम का जो टच दे दिया गया है, प्रीमियमनेस स्कूटर को बहुत बढ़ा दे रहा है। बाकी इसके ऊपर आपको एक्टिवा 125 लिखा मिलता है। यहाँ ये पैटर्न मतलब ये पार्ट है पूरा ग्लॉसी व्हाइट कलर में दिया गया है। ये यहाँ ग्रैंडल आपको ये सिल्वर कलर में दिया गया। बाकी स्ट्रॉन्ग सिंगल आपको मिल जाता है। सीट का लेंथ भी अच्छा खासा दिया गया है, बहुत ब्रॉड सा सीट मिलता है। सीट की कुशनिंग भी बहुत अच्छी है। बाकी आगे से हल्का नैरो कर दिया जाता है, तो लेडीज़ वगैरह के लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। बाकी आप बात करें फुटरेस्ट की, देखो अल्मोनियम का फुटरेस्ट मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है। तो टच करके देखोगे ना, छू के अच्छा बिल्ड क्वालिटी मिल जाता है। बाकी लेग स्पेस अच्छा मिलता है, फुटबोर्ड आपको अच्छा खासा मिलता है। बाकी एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको यूटिलिटी हुक मिल जाता है, यहाँ पर आपको हुक मिलता है, और यहाँ पर आपको एक सीट के नीचे मिलता है, तो दो हुक मिल जाते हैं। जनरली आप कुछ कुछ स्कूटर में नोटिस करते हुए सिर्फ एक ही हुक मिलता है, पर एक्टिवा 125 आपको यहाँ ड्यूअल हुक मिल जाता है। बाकी की है तो यहाँ पे की वाला है। बाकी इसमें एच स्मार्ट भी आता है, तो की लेस मिलता है, रिमोट वाला मिल जाता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में ग्लव बॉक्स भी वगैरह मिल जाता है। बाकी अगर बात करें रियर पार्ट की, रियर में बात देखो, एक जॉस्ट आपको ब्लैकआउट मिलता है, हल्का सा मेटल का मफलर गार्ड भी लगाया गया है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे रियर साइड में, तो रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, 130 का ड्रम ब्रेक मिल जाता है। अगर वहीं बात करें टायर सेक्शन की, देखो यहाँ पे आपको टायर MRF का मिलता है, और यहाँ टायर सेक्शन आपको 90x100 10 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर वगैरह मिल रहा है। यहाँ भी आपको अलॉय देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सस्पेंशन की, यूनिट हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपको थ्री स्टेप में एडजस्टेबल है, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। अभी बात करते हैं इसके इंजन की। देखो यहाँ पर 24cc का एयर कूल्ड 4-स्ट्रॉक BS6 फेज 2 अपडेटेड, OBD2 अपडेटेड, E20 मतलब E20 का स्टिकर ऑलरेडी देख लो, BS6 फेज 2 का अपडेट ऑलरेडी इसमें दे दिया गया है। E20 रेडी इंजन आपको मिल जाता है। अगर बात करें इंजन डायमेंशन की, बोर्ड 50 का मिल जाता है, स्ट्रॉक 63.1 का मिल जाता है। अभी बात करते हैं पावर की, 8.3 PS का मैक्सिमम पावर मिल जाता है,
6,250 आरपीएम पे और 10.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है 5,000 आरपीएम पे। तो एक्टिवा 125 में ना पावर और टॉर्क आपको कम नहीं लगेगा, साथ ही साथ माइलेज भी आपको मिल जाएगा। माइलेज मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, अभी बात करते हैं रियर पार्ट की। सबसे पहले आप रियर के साथ देख लो, यहाँ पे आपको देखो एक डिफरेंट स्टाइल में आपको यहाँ पे मिलता है टेलाइट, आपको पता है यहाँ पे आपको टेलाइट टर्न इंडिकेटर आपको हर जगह मिलते हैं। एक्टिवा 125 पे आपको लिखा मिलता है, एक चीज़ देखो यहाँ पे आपको एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग मिलता है जो कि आपको आगे से ओपन होता है, जैसे एक्टिवा 110 में मिलता है ना एक्सटर्नल, उसी तरह एक्टिवा 125 में भी आपको एक्सटर्नल मिल जाता है, या नंबर प्लेट की जगह वगैरह मिलता है जो इसका रियर का पार्ट है। अभी बात करते हैं लेफ्ट प्रोफाइल की। अगर बात करें लेफ्ट से, सबसे पहले आप लेफ्ट का लुक देखो, राइट की तरह लुक दिया गया है, जैसा कि मैं बताया कि बॉडी पे आपको यहाँ पे क्रोम का मटेरियल यूज किया गया, अलग से अट्रैक्टिव लुक आ जा रहा है। एक्टिवा 125 पे आपको ये 3D टाइप में लिखा मिलेगा, आप टच करोगे तो फील होगा। बाकी मैंने बताया फुटेज आपको एल्यूमिनियम वगैरह का मिलता है। एक चीज़ नोटिस करो, इसमें आपको किक मिलता है एक्टिवा 125 में, पर इसका जो एच स्मार्ट वेरियंट आता है ना, स्मार्ट की वाला जो आता है ना रिमोट वाला, वहाँ आपको किकलेस स्कूटर मिल जाता है। तो ये कुछ फ़र्क आ जाते हैं। सबसे पहले आप ये मुझे बता देना कि आपको किकलेस स्कूटर ज़्यादा अच्छा लगता है रिमोट वाला या किक वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकी आपको सेंटर स्टैंड तो मिलता है, साइड स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर वगैरह सब कुछ इसमें मिल जाता है। अभी बात कर लेते हैं स्कूटर के कुछ ओवरऑल डायमेंशन की। अगर बात करें इसकी ओवरऑल लेंथ की, ओवरऑल लेंथ है 1850 का मिल जाता है, ओवरऑल विड्थ है 707 mm का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट है 1170 mm का मिल जाता है, व्हील बेस है 1260 mm का मिल जाता है। बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, 162 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर वही बात करें कर्व वेट की, बहुत हल्का है, 125 के हिसाब से 109 kg का कर्व वेट है। अगर वही बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, 5.3 लीटर का एक्सटर्नल टैंक कैपेसिटी मिलता है। एक्सटर्नल मतलब आपको बाहर से सीट ओपन नहीं करना पड़ता है, ये भी थोड़ा सा एक फ़ायदा हो जाता है पेट्रोल स्टेशन पे। बाकी देखो यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से फ्यूल, यहाँ से सीट, मैं फ्यूल को ओपन करके दिखाता हूँ, ये देखो ये ओपन हो जाता है, बाकी पुश करना बंद हो जाएगा, और यहाँ से सीट, यहाँ पे आपको सीट में दिखा देता हूँ, अच्छा खासा अंडर स्टोरेज मिल जाता है, हाफ फेस हेलमेट के कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, आपको यहाँ फर्स्ट एड किट मिल जाता है, यहाँ पे आपको टूल किट वगैरह मिल जाता है। चलिए इसको बंद करते हैं, बंद करने के लिए हल्का पुश करना है, बंद हो जाएगा। अभी बात करते हैं इसकी मीटर कंसोल की। सबसे पहले आप मीटर देखो, यहाँ आपको एनालॉग के साथ डिजिटल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। एनालॉग में आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, बाकी सब कुछ आपको डिजिटल पार्ट मिलता है, क्लॉक, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, आपको इसमें एवरेज इंडिकेटर वगैरह भी दिखा देता है। देखो टॉगल करने के लिए आप यहाँ से टॉगल भी कर सकते हो, ये देखो एवरेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है, रेंज दिखा रहा है, टोटल आपको कितना हुआ है, तो ये सब इसमें मिल जाता है, तो भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जनरली आपको यहाँ पे एक्टिवा 110 में सिर्फ एनालॉग मिलता है, 125 में आपको ये डिजिटल का पार्ट वगैरह मिलता है, टर्न इंडिकेटर का मिल जाता है, टेलटेल लाइट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये देखो। बाकी अगर बात करें स्विच की, 5 लाख इंटीग्रेटेड आपको अपर में लोअर में मिल जाए, यहाँ टर्न इंडिकेटर का स्विच, एक हॉर्न का स्विच जो कि डिसेंट अच्छा है, इंजन के स्विच मिलता है आपको इंटीग्रेटेड, यहाँ पे इग्निशन का बटन भी मिल जाता है। चलिए इसके एग्जॉस्ट साउंड को यहाँ पे सुन ही लेते हैं लगे हाथ, यहाँ साइलेंट स्टार्ट भी मिलता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है यहाँ पे। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एक्टिवा 125 का एग्जॉस्ट साउंड को सुनकर कैसा लगा। अभी बात कर लेते हैं माइलेज की। देखो इसमें माइलेज भी अच्छा मिल जाता है, अराउंड आपको 50 km का माइलेज मिल जाता है। देखो जो माइलेज है ना, बहुत से फैक्टर भी डिपेंड करता है कि आपका स्पीड क्या है, रोड का कंडीशन क्या है, तो ये माइलेज अप डाउन भी हो सकता है। अगर आप इकोनॉमिक स्पीड में चलाओगे तो आपको माइलेज अच्छा मिलेगा। तो जिनके पास एक्टिवा 125 है ना, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें आपको माइलेज क्या मिल रहा है। अभी बात करते हैं इसकी प्राइस की। जैसा कि मैं बताया इसमें बहुत मॉडल्स आते हैं, 4 मॉडल अवेलेबल। ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, इसका ऑनर प्राइस पुणे में 1,04,400 के करीब आता है। वैसे आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मैं आपकी सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। वैसे आप होंडा का कोई बाइक या स्कूटर लेना चाहते हो तो स्ट्रॉन्ग विंग्स होंडा चिंचोड़ में आप विजिट कर सकते हो। शोरूम के सारे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर विद मैप लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट फ़ोन पे अपनी बुकिंग ले सकते हैं या डायरेक्ट शोरूम में विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।